बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथ्स ग्रेड टू, यूनिट टू, एडिशन। एडिशन वर्ड ऐड से निकला है, सो ऐड का मतलब होता है जमा करना। जमा करना यानी प्लस करना। आज हम इस यूनिट में प्लस करना सीखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सॉल्व दिस। नंबर ए, 23 प्लस 31। सो 23 में 31 हम किस तरह से प्लस करेंगे? लुक एट दिस। 23 प्लस 31। सो बड़े अमाउंट से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। 3 प्लस 1, सो 1, 2, 3 एंड 4। आंसर वाइज 4। नाउ 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 1, 2, 3, 4, 5. The answer is 54. Right here, 54. Part number B, 72 plus 5. So, 72 plus 5, हम कैसे करेंगे? 72 plus 5. इसको इजी वे, एक वे ये हो सकता है कि अगर हमारे पास ऊपर डबल डिजिट है और नीचे सिंगल डिजिट है, तो हम बड़ी अमाउंट से आगे छोटी अमाउंट जितना काउंट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि 72 में 5 के 5 फिंगर्स हैं हमारे पास, सो 73, 74, 75, 76, 77। सो 77 विल बी द आंसर। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है प्लस करने का, कि 5 प्लस 2 5 6 एंड 7। 7 प्लस नथिंग, सो 7 एज इट इज आ जाएगा। तो सेम आंसर 77। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 34। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग्स। इन क्वेश्चन में बच्चों हम सिंगल डिजिट को कैरी के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे? टेंस और वंस। वंस में हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस 8, लेकिन टेंस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेंस एंड वंस। वंस में हमारे पास है 2 प्लस 8। 2 प्लस 8 8, 8 से आगे 2 हमने काउंट करना है, 9 एंड 10। 10 सो 0 लगा, 1 कैरी चला गया, कैरी टेंस पे चला गया। सो टेंस के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कैरी एज इट इज नीचे उतार लेंगे। सो आंसर इज 10। राइट स्टूडेंट्स, आंसर इज 1 0 10। सेम लाइक दैट 4 प्लस 7, अगेन टेंस एंड वंस, 4 प्लस 7। राइट, सो 7 से आगे 4 फिंगर्स को हम काउंट कर लेते हैं। 7 8 9 10 11। 1 यहां आया और 1 टेंस पे कैरी चला गया। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कि हमेशा लेफ्ट साइड वाला डिजिट जो होता है वो कैरी जाता है। राइट हम नीचे आंसर में मेंशन करते हैं और लेफ्ट साइड वाला डिजिट कैरी जाता है। सो टेंस के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, सो वंस एज इट इज, सॉरी वन एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो आंसर इज 11। 1 एंड 1 11। राइट स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 35। प्रीवियस पेज पे स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वन वैल्यू के साथ कैरी को सॉल्व किया था। अब हमारे पास टू वैल्यूज हैं, टेंस और वंस, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सो 13 प्लस 8 कैसे करेंगे? टेंस एंड वंस। टेंस पे हमारे पास है 1, वंस पे 3 प्लस 8। सो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको समझाया कि आप बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को भी काउंट कर सकते हैं। सो अगर हम 13 प्लस 8 करें, तो 13 से आगे हम 8 फिंगर्स या 8 फिंगर्स की पार्ट्स को काउंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास फिंगर्स पे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पार्ट्स हैं। सो हमने 13 से आगे 8 तक काउंट करना है, यहाँ तक 8 पार्ट्स बनते हैं। सो
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, right? So answer is 21. Answer आप as it is भी लिख सकते हैं और इसको मजीद इजी करते हुए हम क्या करेंगे, 8 प्लस 3 करें 8, 9, 10, 11, 1 यहां लगा और 1 टेंस पे कैरी चला गया. सो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, सो आंसर इज अगेन द सेम आंसर इज 21. क्वेश्चन नंबर 2 इज टेंस वंस 24 2 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 6, 7 8 9 10, 1 2 3 4, 4 हमने काउंट करने थे 6 के अंदर, सो 7 8 9 10, 0 आया राइट. 10 में राइट डिजिट पर 0 है, लेफ्ट पर हमारे पास 1 है, तो हमेशा लेफ्ट डिजिट जो है वो कैरी जाता है. सो 0 यहां लगा, 1 टेंस पे कैरी चला गया. 2 प्लस 1 2 एंड 1 3, सो आंसर इज 30. 30 प्रीवियस का आंसर हमने लिखा नहीं, सो अगेन उसको कर लेते हैं. 8 प्लस 3 क्या था, 8 9 10 11, 1 लगा, 1 कैरी चला गया. सो 1 प्लस 1 2, सो आंसर वॉज 21 एंड 30, राइट स्टूडेंट्स. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 38. अब हमारे पास 3 डिजिट्स की अमाउंट है जिसको हमने सॉल्व करना है, यानी 100, 10 और 1s की वैल्यू को सॉल्व करना है. 171 प्लस 7, अगेन सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे. 171 प्लस 1, सो इट इज सो इजी. 1 प्लस 1 2, 7 प्लस नथिंग सो 7 एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस नथिंग 1 बी एज इट इज आएगा. सो 172 इज द एक्यूरेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 170, सॉरी स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन वॉज 171 प्लस 7 नॉट 1. सो इसको अगेन कर लेते हैं. 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस नथिंग सो 7 एज इट इज आया, 1 प्लस नथिंग 1 बी एज इट इज आया. सो आंसर इज 178, राइट स्टूडेंट्स, 178. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 752 प्लस 3, 752 प्लस 3, सो अगेन सो इजी. 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 3, 4 एंड 5, 5, 5 एज इट इज आया एंड 7 भी एज इट इज आया, क्योंकि उनके पास और वैल्यूज नहीं है प्लस करने के लिए. सो आंसर इज 755, 755. नाउ स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 48. Here is the question that is, changing the order does not change the result. बताया जा रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर लेते हैं, आगे पीछे करके रख लेते हैं, या ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, या नंबर्स को, सपोज आपके पास 3 प्लस 2 है, अगर आप उसको 2 प्लस 3 भी कर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. सो क्वेश्चन आर 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 यानी 10 बड़ी अमाउंट है, 10 से आगे हम 6 और काउंट कर लेते हैं. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितने पार्ट्स हैं हमारे पास फिंगर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 हमने प्लस करना है 10 से आगे, दोबारा करें 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो आंसर इज 16. अगेन सेम, अगर आप, हमने यहां पर किया 6 प्लस 10, अब अगर हम 10 प्लस 6 करें तो भी स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली 10 से आगे अगेन 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो द आंसर इज एक्यूरेट एंड सेम. पार्ट नंबर ई आपको समझा देती हूं. 69 प्लस 23,
बाकी पार्ट्स बहुत इजी हैं और डेफिनेटली आपको प्लस आप इजीली से आप कर लेंगे और अपनी बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए एज अ होमवर्क. ये वाला पार्ट आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ. 69 + 23, सो 69 + 23. 9 से आगे 3 काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 2 यहाँ आया और 1 कैरी चला गया. सो 6, 7, 8 and 9. 6 + 2 यानी 6, 7, 8, कैरी को प्लस किया 9, तो आंसर आया 92. क्या आंसर आया? 92. सेम 69 + 23 किया तो 92 आंसर आया. 23 + 69 करेंगे तो भी हमारा आंसर 92 ही आएगा. राइट स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 49. क्वेश्चन इज सॉल्व द एडिशन सम्स बिलो टू फाइंड आउट व्हाट नंबर गोज विद ईच लेटर, देन राइट ईच लेटर इन द स्पेस बिलो द वर्ड विल स्पेल द आंसर टू द राइट एंड. कहा जा रहा है कि हमने इन क्वेश्चन इन सम्स को प्लस करना है और उसके बाद इन ब्लैंक्स को फिल करते हुए एक लव्स बनाना, एक प्रॉपर वर्ड बनाना. राइट स्टूडेंट्स, सो वन, नंबर वन पे है हमारे पास 135 + 249. 9 + 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 and 1 will be carry. So 4 + 3, 4, 5, 6, 7 and 1 carry, 8. 8 and 2 + 1, 2, 3. 2 + 1, 3. So answer is 384. So same procedure को follow करते हैं, आपने addition करना है. इन सब के answer आप खुद as a homework करेंगे और उसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आपका आंसर 79 किस अल्फाबेट पे आया है वो लिखेंगे, 772 किस अल्फाबेट के साथ है वो मेंशन करेंगे. सो सब आंसर्स अल्फाबेटिकली मेंशन करने के बाद आप एक वर्ड बनाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दीज सम्स इन कलर द इवन नंबर बॉक्सेस ग्रीन एंड ऑड नंबर बॉक्सेस ऑरेंज. यानी 125 + 137, 5 + 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 and 1 will be carry, 3, 4, 5, 6, 6 and 1 + 1, 2. So answer is 262. B part कर लेते हैं, 206 + 207. 7 + 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 and 1 is carry. 0 + 0, nothing. So carry as it is आ जाएगा. 2 + 2, 4. कैसे? 2 + 2 करना है, 3 and 4. आंसर क्या आया हमारा? 413. सो अब हमने इन क्वेश्चंस में क्या देखना है कि जो हमारा आंसर ऑड नंबर में आया है उस पर को हम ऑरेंज कलर करेंगे और जो आंसर हमारा इवन नंबर में आया है उसको हम ग्रीन कलर करेंगे. सो फाइंड आउट 262. हम अपनी वैल्यूज की में वंस की वैल्यू को देखेंगे कि उसका उस पे वंस की वैल्यू पर हमारे पास कौन सी अमाउंट है. सो इवन के लिए हम क्या देखते हैं? 02468. सो 2 वंस की वैल्यू पे आ रहा है, सो इट इज इवन नंबर एंड दिस वन इज ऑड नंबर. क्यों ऑड नंबर है? क्योंकि इसके वंस पर 3 आ रहा है. सो 1, 3, 5, 7 जिसके वंस पर आता है वो ऑड नंबर होता है. सो इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे और इसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे. सो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स प्लस करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है. सो इवन नंबर में आप ग्रीन कलर करेंगे और ऑड नंबर में आप ऑरेंज कलर करेंगे.
Now come on the page number 50. Question is, solve these. The sum of 23 and 51 is, yani 23 और 51 को हम plus करेंगे तो क्या answer आएगा? So यहाँ आप solve करेंगे इसको, 23 plus 51. So easy. 3 plus 1, 3, 1, 4. And 5 plus 2, 5, 6 and 7. The answer is 74. Again same procedure, plus तमाम questions में आपने plus करना है और इसका answer लेके आना है. यहाँ आप अपना refer करेंगे और इस exercise को complete करेंगे. I'm hopeful students कि आपको unit number 2 addition समझ आ गया होगा, प्लस करना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपनी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस एज अ होमवर्क करेंगे. थैंक यू.